बस बस बस। जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते क्या चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को एक क्लास कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तरीका देख चुके हैं। तरीका वही है जो कहाँ होता है चक्रवर्ती उसमें परसेंटेज में, परसेंटेज के तरीके से ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। यू गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल कैसे कर, इसमें इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको, इसमें भी समझा दे रहा हूँ। जैसे आपसे कहा जाए 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, और 10% वार्षिक कहा जाए, लेकिन अब से कहा है पहले तो कह दिया 10%, फिर कह रहे हैं पापा मना कर रहे हैं वार्षिक को मत दो अर्धवार्षिक पे दे दो। जैसे हमने आपको या आपने हमको पैसा उधार दिया 10% वार्षिक पे, कोई दिक्कत? फिर आप आए बोले भैया पापा मार रहे हैं या कह रहे हैं वार्षिक मत दो अर्धवार्षिक पे दे दो, तो का रेट हम 10% दे देंगे तुम्हें। जब तुम टाइम आधा कर रहे हो तो रेटो आधी करो, टाइम आधी कर रहे हो तो रेटो आधी करो। यानी कि बोतल हाफ और क्वार्टर तो समझते ही हो, वो हिसाब है यहाँ पर, वो हिसाब है यहाँ पर। छमाई सालाना और तिमाही ना चलती है यहाँ, यहाँ क्या चलता है? बोतल हाफ और क्वार्टर, बोतल हाफ और क्वार्टर। क्योंकि बोतल हाफ और क्वार्टर कहते हैं तो चीज़ें समझ आती हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, अच्छी वाली फीलिंग्स आती हैं, मतलब क्वेश्चन अच्छे समझ में आता है, अरमान जागते हैं। और आपसे कह रहे हैं सालाना छमाई और तिमाही, तो लगता है कि इरीटेशन सा हो रहा है, क्या है ये? तो कहा चलो हम यहाँ पर हाफ क्वार्टर और बोतल पूरी। तो अगर मैं 20% वार्षिक की बात करूं, कितनी परसेंट? अगर मैं 20% वार्षिक की बात करूं यानी कि सालाना की बात करूं तो छमाई करूंगा तो 20% वार्षिक है ना, 20% वार्षिक, और छमाई करोगे तो आधी कर, आधी है ना छमाई, तो 20 का आधा 10, और तिमाही करो तो इसका भी आधा करो, यानी कि 20, 10, 5। अगर तुम टाइम को आधा कर रहे हो तो रेट को भी आधा, टाइम को आधा कर रहे हो तो रेट को भी आधा कर दो, इतनी सी बात है। कह रहा 12,500 रुपये की राशि 12% की दर से एक वर्ष के लिए निवेश की गई और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 12% एयरली है, 12% कैसी है? एयरली 12% कैसी है? अब अगर हाफ ईयरली की बात करते हैं तो 6% हो जाएगी, 6% हाफ ईयरली हो जाएगी, 6% हाफ ईयरली हो जाएगी। 12% एयरली है तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी, कोई दिक्कत? क्योंकि आपने रेट को आधा किया है, टाइम को आधा किया तो हमने रेट को। और आप करें लोगों क्वार्टर यानी कि तिमाही की बात करो, क्या की बात कर लो? तिमाही की बात करो तो इसका भी आधा कर दो, कितना परसेंट? 3%। इससे नीचे नहीं जाता, इससे नीचे नहीं गिरता, बहुत गिर गया, इससे नीचे नहीं गिरता, समझ में आया? बोतल हाफ क्वार्टर, क्वार्टर से नीचे कुछ नहीं आता है, फिर चलती अधी, अधी का मतलब अधी नहीं, फिर अरे तुमने गांव में देखा होगा होता क्या है कि 40 रुपये तुम्हारे पास, संदीप के पास 40 रुपये है और पौआ है 80 रुपये का, तो कोई है अधी वाला, तो वहाँ पे बोलते हैं अधी, तो मतलब 40 रुपये तुम डाल लो, 40 रुपये तुम डालो, दोनों मिलकर पी लो, समझ आया? होता तुम जाकर भट्टी के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ पे यही होता है, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे खड़े हो जाए वो कहीं खड़े, और पता है मिल भी जाते हैं उनको आधी वाले को, 40 रुपये उसके पास है, 40 रुपये तेरे पास है, दोनों मिला 80 रुपये, दोनों पी जाओ बस। हाँ तभी तो गोली, तुमने देखा नहीं था कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी, क्यों? उसने उसका पैक छोटा बना दिया, दारू होती ग्लास में की जाती, तो उसने उसकी थोड़ी कम डाल दी, अपने थोड़ी ज़्यादा डाल ली, मार दी गोली। तुम हिम्मत को काहे बारे बदनाम कर रखे हो, हैं हिम्मत जो तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, तुम नाम के हिम्मत सिंह रह जाओगे। सही है, ठीक है। तो रुपए कितना था? 12,500। अब रेट क्या 12% रही? 12% होती ईयरली, लेकिन आप मामला कहाँ चाह रहे हो? हाफ ईयरली, तो रेट कितनी हो जाएगी? 6%। और एक साल में कितनी छमाई हो जाएगी? दो। एक साल में कितनी छमाई? दो। तो कितनी बार साइकिल चलानी पड़ेगी? दो बार एरो बढ़ाना। कितना कितना परसेंट? 6-6%। तो देखो दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 12×6=750 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बड़ा गजब है, जिसकी नहीं होगी तो वो घंटे भर करेगा, ले कैया कैसे करेगा, मैं करा दे रहा हूँ। 12,500 × 6/100, 00 से 00 करेगा, 12×6=75, 30, 720 और 6×5=30, यानी कि 750। अब 12,500 में 750 जोड़ दो, तो 12,500 में 750 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 13,250। 13,200 क्या अगले साल भी रेट 6% होगी? अगले साल नहीं है, अगली छमाई है, पहली छमाई में 6% और दूसरी छमाई में भी, तो दो बार बड़ा क्यों रहे हो? क्योंकि एक साल में कितनी छमाई? दो छमाई। कितने परसेंट?
6%। देखो एक जीरो खत्म हो जाएगा, कर दो पहले गुणा कर दो, 13,250 गुणा 6/100, जीरो से जीरो, 6 5 30 का जीरो हासिल लगे 3, 6 2 12, 3 15 के 5 हासिल लगाए, 6 3 18, 19 के 9 हासिल लगाए, 6 कम 6 और 1 7 बटा जी 10 है, तो जीरो खत्म हो जाएगा, कितना बचा 795। और ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, खाली ब्याज की पूछी, खाली ब्याज पूछा, तो पहले साल का ब्याज कितना मेरे भाई 750, और दूसरे साल का ब्याज कितना 745, तो 750 होता 1545 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1545, आप जोड़ लो 1545 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वही है ऑप्शन वाला, क्या पहले साल का ब्याज अगर 750 है तो दूसरे साल का ब्याज होगा 750 से थोड़ा, यानी कि जो भी आंसर होगा 1500 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ऑप्शन देख लो पहले, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, मोहित बाबू जरा ऑप्शन दिखाने का कष्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही खराब चल रही है, ऑप्शन सब मैच हो रहे हैं, ऑप्शन बहुत सारे मैच हो रहे हैं, लेकिन आप सॉल्व तो करना, ये वाले दो ऑप्शन निकल सकते 1550 और 1545, बाकी तो कट जाएंगे, छोड़ो सॉल्व करनी आ रही है ना, इसको जरा पेज को फिर से दिखा दो हमारे वाले सवाल को, इसको रुपया कितना था 12,500, पहले साल की रेट कितनी थी 6%, रेट थी 12%, रेट थी, लेकिन ये कौन सी थी ईयरली, कौन सी थी, लेकिन 12% ईयरली थी नहीं थी, और हमें बतानी है हाफ ईयरली, तो 12% ईयरली है तो 6% क्या हो जाएगी हाफ ईयरली, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, तो एक साल में कितने हाफ होते हैं दो, एक बोतल में कितने हाफ होते हैं दो, तो एक हाफ ये और एक हाफ ये, पहले साल का ब्याज 750, दूसरे साल का ब्याज 795, दोनों साल को जोड़ा तो 1545, सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है, ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपए का 12% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अर्धवार्षिक, लेकिन रेट कितनी है 12%, ये 12% ईयरली है 12%, और तुमको बताना है हाफ ईयरली, तो ये 12% कन्वर्ट कहां में होगी 6%, 12% 6,250 ही था अमाउंट, उसे 12,500 तो अमाउंट आधा है, अमाउंट तो आधा हो गया, पहले वाले सवाल में अमाउंट था 12,650, 12,500, इस वाले में कितना है 6,250, कर लोगे अब तो सेम सवाल है, बस रेट अमाउंट तो आधा हो गया, हटाओ इसे, ₹5,000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाए, तिमाही आधार पर परिकलित किया जाए, सुनो 8% ईयरली है या नहीं है, तो 4% हाफ ईयरली होगा नहीं होगा, होगा, और हमें क्वार्टर चाहिए तो क्या 2% होगा नहीं होगा, क्वार्टरली होगा नहीं होगा, 2% क्वार्टरली होगा, अब बताइए 9 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे 3, 9 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे, तो 3 बार बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कितने कितने परसेंट 2-2%, कितने कितने परसेंट, क्योंकि 8% ईयरली है 4% हाफ ईयरली है तो 2% क्वार्टरली है, और 9 महीने की बात हो रही है तो 9 महीने में कितने क्वार्टर हो जाएंगे 3, तो कितने बार बढ़ाना पड़ेगा 3 बार, रुपया कितना है 5,000, रुपया कितना है 5,000, बढ़ा दो मेरे भाई 2-2%, क्योंकि क्वार्टर से बढ़ेगा, तो 5,000 का 2 × 5 = 10 यानी कि 100 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 जीरो हैं, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा 0, और 5 × 2 = 10, ऐसे करें जैसे चाहे वैसे कर लो, तो 5,000 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5,100, और अगले साल का भी रेट कितनी हो, अगले क्वार्टर की भी रेट कितनी होगी 2%, अब 2 जीरो कट जाएंगे तो 55,102 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और अगर 5,100 में से 102 जोड़ोगे तो 5,502 आएगा, 5,502 आएगा, लेकिन ये हिंग थोड़ी मानना है, ये तो ये क्वार्टर में है, ये पहला क्वार्टर है और ये दूसरा क्वार्टर है, लेकिन बात हो रही है 3 क्वार्टर की, बात हो रही है 3 क्वार्टर की, अब खेत से कितना बढ़ा दो 2%, अब देखो अब डेसिमल आना निश्चित है, 2 × 4 और 52 × 104 यही तो आएगा पॉइंट, अब पूछा क्या है आधार पर, खाली ब्याज ही तो पूछा है, क्या पूछा है खाली ब्याज, तो 100, अरे पेज को खाली कर लो थोड़ा सा, 100 और 102 202 306 306.04,
यही तो जुड़ेगा सब, यही तो जुड़ेगा, बस ये सवाल है। सही है, क्वार्टर हाफ, ऐसे मुझे लगता है कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि अगर ईयरली की हैं, हाँ 9 महीने का पूछा है, तुम क्या देख रहे हैं, 9 महीने जी लिखे हैं तो पूरी साल की पूछ रहा है तो नौटंकी का होती डायरेक्ट 8% बढ़ा देते, अगर पूरी साल की बात करते तो डायरेक्ट 8% बढ़ा देते, 8×40 400 ब्याज मिल जाते, बात खत्म। क्वार्टर की बात होते ही हैं, कोई बात नहीं, कल शिवरात्रि है, आराम से पियो, कल की छुट्टी कर दें, क्या करें तुम्हारी, तो पी के ही आओगे, सही है। अच्छा अच्छा अरे तुम तो हमारे, हाँ कल हमारा व्रत है, कल सिर्फ भांग पी जाएगी और कुछ नहीं, समझ में देखिए जो 8% ईयरली थी, 8% ईयरली थी तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 4%, तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा 2%, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर, 3 क्वार्टर, तो 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, कितने कितने परसेंट, 2-2%, तो 5,000 को 2% बढ़ाया, ये बढ़ाया, फिर 2% बढ़ाया, ये आया, फिर 2% बढ़ाया, ये आया, और सिर्फ ब्याज पूछा था तो ब्याज ब्याज जोड़ दिया 306.04, दिस इज आंसर। अगला सवाल, कह रहा है 4% प्रतिवर्ष की दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपये की राशि पर कितना हो जाएगा, वही सेम सवाल है, रेट कितनी है 4%, क्वार्टर पे आओगे तो 1% रह जाएगा, क्योंकि 4% जो है वो है ईयरली, 4% वो कैसी है, फिर 2% हो जाएगी हाफ ईयरली और 1% हो जाएगी क्वार्टरली, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो 1-1% कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, 3 बार, क्यों, क्योंकि 9 महीने हैं, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, 3 बार, बढ़ाऊं, बढ़ा दे रहा हूं, कैसी बातें कर रहे हो, अरे बड़े जीरो जावे तो, 3 और 3 6 10 लाख, 2 3 4 5 6, 1-1% बढ़ाना है कितनी बार, 3 बार, ले भैया 1% बढ़ा दो, कितने परसेंट, तो देखो 6 जीरो हैं, 2 जीरो कट जाएंगे, कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो, 10,000, आप सुनो 10 लाख है और 10 लाख में 10,000 जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे, बोलो 10 लाख ये और 10,000 ये हो जाएंगे, फिर बढ़ाना है कितना परसेंट, 1%, कितना बढ़ाना है 1% प्लस का 1%, फिर 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 2 जीरो बचेंगे तो 1 जीरो 1 ये बचेगा, तो 10,000 10 लाख 10,000 में लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, 0 आगे पीछे कर देंगे बस, लेकिन मैं तुमको तरीका बता दूंगा, ठीक है, तो देखो जब ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए तो कुछ मत करना, ये देखना कि 4 हैं 2 2 4, नहीं समझ में, तो यहाँ पर कितने 0 1 2 3 4, और परसेंट का साइन हटाओ, 2 जीरो कट जाएंगे, सिर्फ 2 ही 0 बचेंगे, अब इसमें ये नंबर जोड़ना ही तो है, तो तुम अगर ऐसी सिचुएशन आ जाओ तो यहाँ देखो कितने 0 हैं, कितने 0 हैं 4, तो 4 नंबर ऐसे छाप दो, 0100, ये छाप दिया, ये 4 नंबर छप गए, नहीं छप गए, अब तुम इसमें ये नंबर तो जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 2 और 1 0, यही आएगा, बढ़े एक बार और बढ़ने आगे, बढ़ जाए कहो तो कहिए दो, ठीक है 1% और बढ़ जाओ, तो 1% अगर और बढ़ोगे तो क्या नंबर आएगा इसके नीचे, 10201, यही आएगा, अब इसमें इस वाले नंबर में ये वाला नंबर जोड़ना पड़ेगा, फिर देखो लास्ट में कितने 0 हैं 2, तो 2 जीरो तो 0 बनाना ही आना है, ठीक है, अब 2 और 1 तो, अरे ये 2 तो खत्म हो गए, जोड़ना है जैसे चाहो वैसे जोड़ लो, मैं जो तुम बता रहा हूँ वो तरीका ही क्या है, कि ये 2 जीरो खत्म हो गए हटाओ, इनका काम हो गया, अब 0 2 और 0 1 तो 0 3 हो गए, ये भी 2 खत्म, ये भी 2 जीरो खत्म, ठीक है, और 2 और 1 3, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा, सही है,
अब जैसे वैसे कर लो। फिलहाल मैं एक बात बताऊं कि आपको पता है 1000 को 1-1% 10-10% 3 बार बढ़ाया तो 1331 आता है, बहुत सारे जीरो तो हर किसी 1331 ही तो लेगा, जीरो हटा दिए जाते हैं कि बीच के ना आई, ये तो बात पता है ना। 1000 को 10-10% 3 बार बढ़ाया जाए तो 1331 आता है, 1331 ही तो, अगर बीच के एक जीरो बहुत ज़्यादा जीरो तो सबको एक दे दो, लड़ाई ना सब काम हो गया। फिलहाल आपको आसान है जैसे मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन, तुमको ये लगता है कि यार जीरो वगैरह जोड़ना पड़ रहा है, जोड़ना तो पड़ेगा, सेम सवाल थोड़ी आएंगे हमेशा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा, ऑप्शन से हो जाएगा, लास्ट में जीरो आ ही नहीं सकते। ठीक है, इसके सब लक्षण ही गलत लग रहे हैं, सबको बांट दिए, हिस्सा बांट बराबर करो ना, लड़ जाएंगे अंदर, बांट करो, हटा आगे सब लोग। कह रहा है कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की ब्याज संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित होता है। रुपये कितने थे? 2000। रुपये कितने थे? 2000। और 10% की दर से बढ़ रहा है तो तुम बढ़ाते रहो जब तक 2420 ना मिले। पहले साल कितने रेट बढ़ेगा? 10%। तो 2000 का 10% हो जाएगा मेरे भाई 200, और यहाँ हो जाएगा 2200। कितना हो जाएगा? 2200। फिर से 10% बढ़ा दो, फिर से कितना परसेंट बढ़ा दो, और 2200 का 10% कितना होता है? 220, और 2200 में 220 जोड़ोगे तो 2420। कितने साल मिल गया? मात्र 2 साल में। तुम बढ़ाते रहते कब तक? जब तक तुम्हें 2420 ना मिलता। कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी? 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज कैसे है? संयोजित होता है। तो अमाउंट कितना था? 2000। रेट कितनी थी? 10%। 10% बढ़ाया तो पहले साल का ब्याज कितना आया? 200 रुपये हो गया 2200। 2200 रुपये कितना हो गया? 2200। तो अगले साल भी रेट तो 10% ही रहेगी। 10% का कितना हुआ? 220 कितना हो गया? 2420। इन्हें जे तो कहीं 2420 मिल जाए, मिल गया। कितने साल लग गए? 2 साल, एक साल जे और एक साल जे। तो कितने साल लगे? 2 साल। कैश में भी कोई फार्मूला लग रहा है? आ सकते नहीं, नो यूज एनी फार्मूला। चलो ये देखो, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्ष में कितनी हो गई? 2520 रुपये हो गई। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी? बड़ा आसान समझना। ये रुपये कितना है? 100। ये रुपये कितना है? 100। इस पे अगर मैं 10% बढ़ाऊँ, कितनी परसेंट बढ़ाऊँ? तो 100 का 10% कितना होता है? 10। कितना हो गया? 110। अगर मैं इस पे फिर से 10% बढ़ा दूँ तो 110 का 10% कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 121। और इसका मैं फिर से 10% बढ़ा दूं तो 12.1। 12.1 और 121 में 12.1 जोड़ूंगा तो 133.1 बनेगा, नहीं बनेगा? बहुत ध्यान से एक बात सुनना, ये पहले साल का मूलधन था, ये पहले साल का मिश्रधन था, ये दूसरे साल का मिश्रधन था, और ये तीसरे साल का मिश्रधन था। अगर मैं कहूँ कोई राशि, कोई भी राशि, अच्छा सुनो, रेट का परसेंटेज हर जगह सेम सेम है नहीं, हर जगह परसेंटेज सेम है, तो मैं कहूँ कोई भी धनराशि ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके आई है, इधर की बात नहीं बताई तुमको मैंने, और चलो मैं इसके नीचे लिख दूँ, तुमको एरो बना दूँ, एक एरो ये और एक एरो ये और एक एरो ये, और मैंने तुमसे कह दिया, क्या कह दिया, क्या हुआ, चलो